Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today 12 February 2019, Tuesday है, सुबह के 7:57 हो रहे हैं. आज सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, क्या हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे. उससे पहले मैं नए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम हर रोज सुबह निफ्टी एनालिसिस का ये वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है. तो अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब किया है, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया है, तो आपके मोबाइल के ऊपर अराउंड सुबह 8:30 के आसपास इस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्केट आवर्स के पहले आप ये वीडियो देख पाएंगे. ठीक है, और एक बात है, ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जो कि ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स है. और अगर आप इसका कोई भी एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर ओपन करते हैं, तो ट्रेडिंग फैब की जो प्रीमियम रिकमेंडेशन है वो आपको फ्री में मिल सकती है. ठीक है, तो चलते हैं कल का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 11 फरवरी 2019, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 11,024 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,898. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. हमारा जैसे ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,869 ये अचीव हुआ, और उसके बाद निफ्टी इंडेक्स ने 10,857 का लो लगाया, ऑलमोस्ट हमारे सेकेंड टारगेट के पास. तो अराउंड कल 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और अगर 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस, कल के स्ट्रैटेजी का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं. कल अमेरिकी बाजार में थोड़ा सा फिर से एक बार प्रेशर दिखाई दिया, फिर से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर के ऊपर बातचीत शुरू हो रही है. तो 53 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली डाउ जोन्स में. यूरोपियन बाजार देखें तो कल हरे निशान में बंद हुए, पॉजिटिव नोट देखने को मिली. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज मार्केट 420 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और चाइना मार्केट भी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 89 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 24 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली डेली और फिर 60 मिनट के चार्ट के ऊपर चलेंगे. यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, एक कैंडल हमें एक वीक का ओपन हाई लो और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, आज एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है. ठीक है, तो इसके मद्देनजर यहाँ पे कुछ उथल पुथल दिखाई दे सकती है. यह वीकली चार्ट है, यहाँ पर जो 10,882 का ये जो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये 10,882 इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है, ये 10,800 के आसपास है, और उसके बाद 50 EMA जो कि 10,700 के पास है. तो यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है एज पर मूविंग एवरेज, एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और ऊपर हमने देखा 61.8% के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया. तो ऊपर अराउंड 11,089 के पास रेजिस्टेंस है एज पर वीकली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. ये लास्ट वीक का हाई और लो अगर ब्रेक करता है तो हमें वीकली चार्ट के हिसाब से लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड का कन्फर्मेशन मिल सकता है. अभी फिलहाल हो सकता है फिर से एक बार हमें यहाँ पर साइडवेज पैटर्न देखने को मिले. ठीक है, यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में स्ट्रक्चर अभी फिलहाल बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20-50-100 असेंडिंग ऑर्डर्स में और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है. 5 लगातार पॉजिटिव सेशंस के बाद ये करेक्शन आया है. तो ये करेक्शन जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसे का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो इस जो अपसाइड मूव आया है ये एक, इसका 50% का ये जो लेवल था कल 10,850 के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया. ये देखिए, और 20 EMA का भी यहाँ पर सपोर्ट है अराउंड 10,877. तो यहाँ पर इसने 50% का ये जो रिट्रेस लेवल था ये इसने अचीव कर लिया है,
हो सकता है यहाँ पर एक बार फिर अभी एक पॉजिटिव मूव दिखाई दे, लेकिन कल का जो हाई और ओपन था वो एग्जैक्ट सेम था 10,930। तो अगर ये लेवल अगर कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आने वाले कुछ दिनों में हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड, यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिखाई दे सकती है। ठीक है, अगर डेली चार्ट तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंडलेस मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्विंग हाई लो को ज्वाइन करूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, इस तरह से स्विंग हाई लो को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न दिखाई देता है, ना ही डाउन ट्रेंड का पैटर्न दिखाई देता है और ना ही अपवर्ड मूव का कोई सिग्नल हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हायर हाई हायर लो ये पैटर्न भी नहीं बन रहा है और लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न भी नहीं बन रहा है। अगर हमें डाउन ट्रेंड देखना है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड देखना है, तो उसके लिए पैटर्न ऐसा बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये असली डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो यानी जो प्रीवियस लोअर लो है इसे ब्रेक करके नीचे चला जाता है, फिर ये इस लोअर लो को ब्रेक करता है, फिर नीचे चला जाता है, तो ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है। और अप ट्रेंड के लिए कुछ इस तरह से बनेगा, हायर बॉटम्स बनेंगे और जो हायर हाई है उसे ये ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। ये हायर हाई को ब्रेक किया, फिर इस हायर हाई को ब्रेक किया, फिर इस हायर हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये साइडवेज पैटर्न में चल रहा है, ना ही हायर हाई बना रहा है, ना ही हाई लोअर लो बना रहा है, तो ये एक साइडवेज पैटर्न है। जब तक अभी ये लास्ट जो हाई बनाया है, ये हाई इसे अगर जब तक ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता कंफर्टेबली, तब तक यहाँ पर अपसाइड मूव हमें दिखाई दे नहीं सकती। ठीक है, तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये है 60 मिनट का चार्ट। निफ्टी इंडेक्स अगर इस पिवट पॉइंट का S1 का जो लेवल आ रहा है इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम सेल पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,830। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 10,818। ठीक है, और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। सेफ ट्रेडर्स अवॉइड करें, क्योंकि जो लेवल है रेजिस्टेंस का, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है, कहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव कर सकता है, ये कहाँ नहीं जा सकता, तो बेटर है सेफ ट्रेडर्स अवॉइड करें। हालांकि अगर ये कल का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना था फर्स्ट आर में, इसे अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है 10,927 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,950। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,966। ठीक है, तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।